जिस गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है वहां के लोगों ने भी इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री हो रहे हैं। के नाम पर मोदी जी से और उनके लोगों से मात्र एक सवाल करूंगा कि वो एक भी बात, एक भी काम ऐसा दिखाएं जिसे ये समझ में आए कि हिंदुस्तान आगे जा रही है। हिंदुस्तान में यहाँ पर मोदी जी ने हमें बुलेट ट्रेन की बात कही थी, अभी तक हमें बुलेट ट्रेन नहीं मिला। हिंदुस्तान में मोदी जी ने कहा था कि हम लोगों को 15 लाख रुपए देंगे, आज तक 15 लाख नहीं मिला। हिंदुस्तान में लोगों, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, आज तक नहीं मिला। इसलिए जो जो वादा उन्होंने किया है वो विफल है, इसलिए हम समझते हैं कि मोदी जी आज तक विफल हैं और ऐसे विफल प्रधानमंत्री को कभी भी हिंदुस्तान के लोग जगह नहीं। मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि कल 15 लाख देने वाला आज जुमले के में उसके शक्ल में बदल रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में उसने अगर कोई भी लोगों से ये वादा किया तो उसे भी जुमला करार देगा। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम समझ चुकी है, उनके 2014 से लेकर अभी तक के शासन को हिंदुस्तान की आवाम ने देखा है और 2024 में उन्हें पीछे धकेलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान के लोगों ने लाने को तय कर लिया। देखिए, हमारे कांग्रेस की राजनीति में हम हमेशा सेकुलर राजनीति करते हैं, जहां पर एक तरफ हिंदुओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों को साथ लेकर बात करते हैं, सिख और ईसाई को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती। हम ऐसी राजनीति करते हैं कि जहां से हिंदुस्तान की उन्नति हो, हिंदुस्तान की तरक्की हो, और हिंदू और मुसलमानों का विभाजन कर राजनीति करना ये हमारे एजेंडे में नहीं है। राहुल झूठ डायलॉग है कि आपको हराने के लिए कोशिश नहीं बल्कि साजिश करनी पड़े, तो आप समझ लीजिए कि आप बड़े हो गए। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से भाजपा का साजिश चल रहा है, कांग्रेस लगातार लोगों के पास जा रही है और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही, कुछ साथी हैं कि 2024 में क्या कुछ होना है और राहुल गांधी क्या 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े विरोधी दल के सबसे बड़े नेता है, वो जानना भी बेहद जरूरी है। जैसे आखिर क्या दिखता है कि राहुल गांधी 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है जो आप लोग लगातार बात कर रहे हैं? देखिए, आज हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो आज जिन जगहों पर आज के इस आगे चलते हिंदुस्तान में जिस गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है वहां के लोगों ने भी इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री हो रहे हैं। तो जो वो गांव जहां पर बिजली नहीं पहुंची है वहां के बच्चे आज ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई भी शहर, कोई भी इलाका, कोई भी कस्बा, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी आज इस बात पर सवालिया निशान लगाया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान इस बात को कह रहा है। बेंगलोर जीते आप, उसके बाद अभी तेलंगाना मजबूत परिस्थिति में कांग्रेस है, मगर क्या राम मंदिर, यूसीसी, इन तमाम मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस जो है लड़ पाएगी? क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी जो है बन पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान पर आज लगातार रास्ते पर है। भारत जोड़ो यात्रा लेकर बाहर निकलना, रास्ते पर आना और 3600 किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करना, इस बात को प्रमाणित करता है, साबित करता है कि हम इश्यू बेस एजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं और हिंदुस्तान की ज़रूरत को समझते हुए, हिंदुस्तान की आवाम की ज़रूरत को समझते हुए हम रास्ते पर हैं। कल भी हमने आंदोलन किया था, आज भी जो जन विरोधी नीतियाँ अपना रही हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह की सरकार, हम उसके खिलाफ हैं। आने वाले दिनों में आंदोलन हमारा चलता रहेगा। मोदी जी ने कुछ अच्छा नहीं किया? देखिए, ये तो जनता कहेगी, ये तो जनता कहेगी और पूरे पार्लियामेंट में, आज पार्लियामेंट के बाहर जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर धरना दे रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियां और जो हिंदुस्तान की आवाम है आज धरना पर बैठे हैं, लोग उसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया है। मोदी जी अमरीका गए, भारत का नाम रोशन हुआ, वो लोग कांग्रेसियों को क्यों नहीं दिखता? देखिए, अमेरिका जाने से या सिंगापुर में जाकर ढोल बजाने से हिंदुस्तान का नाम रोशन नहीं होता है। हिंदुस्तान का नाम तो तब रोशन होता है जब हिंदुस्तान आगे जाती है, उन्नति करती है। मैं उन्नति के नाम पर मोदी जी से और उनके लोगों से मात्र एक सवाल करूंगा कि वो एक भी बात, एक भी काम ऐसा दिखाएं जिसे ये समझ में आए कि हिंदुस्तान आगे जा रही है। हिंदुस्तान में यहाँ पर मोदी जी ने हमें बुलेट ट्रेन की बात कही थी, अभी तक हमें बुलेट ट्रेन नहीं मिला। हिंदुस्तान में मोदी जी ने कहा था कि हम
लोगों को 15 लाख रुपए देंगे, आज तक 15 लाख नहीं मिला। हिंदुस्तान में लोगों, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, आज तक नहीं मिला। इसलिए जो जो वादा उन्होंने किया है वो विफल है, इसलिए हम समझते हैं कि मोदी जी आज तक विफल हैं, और ऐसे विफल प्रधानमंत्री को कभी भी हिंदुस्तान के लोग जगह नहीं देना चाहते। अच्छा, तो आप लोग उस बातों को दिल पर लेकर लगातार क्यों बात कर रहे हैं? उसको तो मोदी बाद में अमित शाह ने कह दिया, जुमला था, चुनावी बात थी। देखिए, ये हमारी दिल की बात नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम की दिल की बात है। हिंदुस्तान के नौजवानों से जो वहाँ मोदी जी ने वादा किया था, उस वादा में उन्होंने उसे जुमला करार दिया है, इसलिए हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के नौजवान आज मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि कल 15 लाख देने वाला आज जुमले के में उसके शक्ल में बदल रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में उसने अगर कोई भी लोगों से ये वादा किया तो उसे भी जुमला करार देगा। इसलिए हिंदुस्तान की आवाम समझ चुकी है, उनके 2014 से लेकर अभी तक के शासन को हिंदुस्तान की आवाम ने देखा है, और 2024 में उन्हें पीछे धकेलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान के लोगों ने लाने को तय कर लिया है, और आने वाले दिनों में राहुल गांधी कांग्रेस की कयादत में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके साथ अपोजिशन पार्टियां हैं और लोग समर्थन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से इतना प्रेम वर्त क्यों है आपका कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मजबूत हैं? देखिए, राहुल गांधी ने 3600 किलोमीटर की दूरी को तय कर, भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाकर, हिंदुस्तान की तमाम नीतियों को सामने रखकर, जो लोग, जो हिंदुस्तान की जनता चाहती है, हिंदुस्तान के नौजवान चाहते हैं, हिंदुस्तान के छात्र चाहते हैं, हिंदुस्तान की माँ बहनें चाहती हैं, उन तमाम चीज़ों को सामने लेकर उन्होंने 3600 किलोमीटर की दूरी को तय किया, और भारत जोड़ो यात्रा में ये साबित किया कि हम आपकी आवाज़ हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, आज हम कर्नाटका इसी बिना पर जीते हैं, कर्नाटका के लोगों ने हम पर भरोसा किया है, आने वाले दिनों में हमें राजस्थान, हमें छत्तीसगढ़ और भी दीगर स्टेट में जो इलेक्शन होने जा रहा है वहां पर कांग्रेस मजबूत तौर पर आगे आ रही है और जीतकर आने वाले दिनों में 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान एक प्रधानमंत्री पाने जा रही है। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान का क्या ही तोड़ है आपके पास? देखिए, हमारे कांग्रेस की राजनीति में हम हमेशा सेकुलर राजनीति करते हैं, जहां पर एक तरफ हिंदुओं की बात करते हैं, दूसरे तरफ मुसलमानों को साथ लेकर बात करते हैं, सिख और ईसाई को साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती, हम ऐसी राजनीति करते हैं कि जहां से हिंदुस्तान की उन्नति हो, हिंदुस्तान की तरक्की हो, और हिंदू और मुसलमानों का विभाजन कर राजनीति करना ये हमारे एजेंडे में नहीं है। राहुल गांधी के निर्देश अनुसार, मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश अनुसार कांग्रेस की आइडियोलॉजी को सामने रखकर हम राजनीति करते हैं, और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र, यहाँ की माँ बहनें और पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी परस्पर आंदोलन पर रहती है, आज भी आंदोलन पर है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।